Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Aliya Waheed and you are on the channel of Medicare. So as you know, we have started the practicals of pharmacology and today is our fifth practical. So as you know that we are going to discuss about the solutions. So the first two solutions are discussed by us. We have covered the thyroid solution, we have covered the Krebs-Hensler solution. Now there is a time for a third solution, and this solution is about the frog ringer solution. So again we are going to prepare the 100 ml of it. So let's see what is it. So actually this ringer solution, it also called as a lactated ringer solution if it contains the lactic acid. So it is a solution having several salt dissolved in water for the purpose of creating isotonic solution related to the body fluid of animal. कि यानी हमने एक आइसोटोनिक एक इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें जब हम एनिमल टिश्यू को डालेंगे तो वो एनिमल टिश्यू बिल्कुल नॉर्मल रहे. सो फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन, थायराइड सॉल्यूशन या हमने क्रेब्स-हेंसलर सॉल्यूशन बनाए थे, वो सब सॉल्यूशंस का काम ही यही था कि वो जो एनिमल टिश्यू कोई भी हम उसके अंदर रखते हैं तो उनको मेंटेन करना. बट हमने ये एक ही सॉल्यूशन क्यों नहीं बनाया, हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस क्यों बनाए हैं? वो इससे बनाया है, जैसे ये फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन है ना, ये बेस्ट होता है फ्रॉग के हार्ट को रखने के लिए या फ्रॉग की और दूसरी चीज़ें पर, लेकिन बेस्ट ये फ्रॉग के हार्ट को रखने के लिए होता है क्योंकि इसका आइसोटोनिसिटी और इसके अंदर जितने भी मिनरल्स या आयंस की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती है फ्रॉग के हार्ट से, जिसकी वजह से जो फ्रॉग का हार्ट है ना वो अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो बिल्कुल ठीक रहता है. इसी तरह अगर हमने रैबिट की इंटेस्टाइन को बाहर निकाला है तो वो बेस्ट रहता है थायराइड सॉल्यूशन के अंदर. यानी हर एनिमल का स्पेसिफिक पार्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल ठीक रहता है क्योंकि हर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग है. जैसे हमने थायराइड सॉल्यूशन का देखा, उसमें भी NaCl था, और जब हमने क्रेब-हेंसलर सॉल्यूशन देखा उसमें भी NaCl है, बट दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट है. लाइक अगर मैं बात करूं कि टायरल सॉल्यूशन की, तो उसमें मैंने 136.9 ml जो है वो NaCl डाला था, और अगर मैं बात करूं कि क्रेब-हेंसलर सॉल्यूशन में मैंने 118 ग्राम जो है वो NaCl डाला था, तो दोनों की अमाउंट्स में डिफरेंस है. अब जब आप फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो इसमें NaCl की अमाउंट और है, ठीक है. सो सब में तकरीबन कंपोजिशन सेम है, जस्ट अ लिटिल बिट डिफरेंस है, बट कंसंट्रेशन भी चेंज है, जिसकी वजह से हर पार्ट के लिए अलग से सॉल्यूशंस हमें बनाने पड़े हैं. सो द रिंगर सॉल्यूशन इज टिपिकली कंटेन मैनी इंग्रेडिएंट्स इन इट. इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन विच इज़ आइसोटोनिक, डायल्यूटिंग फ्लूइड एंड सस्पेंडिंग फ्लूइड. तो ये डायल्यूटिंग फ्लूइड भी है, अगर आपने किसी चीज़ को डायल्यूट करना है तो आप ये सॉल्यूशन डाल सकते हैं. अगर आपने किसी चीज़ किसी टिश्यू को इस फ्लूइड के अंदर प्रिजर्व करना है, लाइक फ्रॉग के हार्ट को अगर आपने प्रिजर्व करना है, तो आप इसको एज अ सस्पेंडिंग फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं. डिस्कवर किसने किया, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट जिसका नाम था सैंडे रिंगर. इन 1882 में इसने इसको डिस्कवर किया था. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनिमल्स के लिए बनाया गया, इट आल्सो यूज़ फॉर द IV एप्लीकेशन इन द ह्यूमंस फॉर विद द सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस. वो ह्यूमंस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो चुका है कोई इंजरी की वजह से, उनको बहुत सारा ब्लड जो है वो वेस्ट हो चुका है, तो उनके अंदर हम ये फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन जो है ना वो इंजेक्शन के ज़रिए से या ड्रिप के ज़रिए से हम ये सॉल्यूशन जो है ह्यूमंस को भी दे सकते हैं. यानी ये ह्यूमन बॉडी के लिए भी कंपैटिबल है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ फ्रॉग का हार्ट आ सकता है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए भी बेहतरीन है. सो यहाँ पर अगर हम पेंसिल वर्क में आए तो यहाँ पर आपने इसका प्यारा सा लेबल ड्रॉ करना है, जिसमें आप पहले तो इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे. ये सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स इसके लिखे हैं, NaCl, KCl, ग्लूकोज, Na2PO4 चाहिए, CaCl2 चाहिए, NaCO3 चाहिए, और वाटर भी हमें इसके लिए चाहिए. उनकी सारी कंसंट्रेशन कितने चाहिए वो भी मैंने लिख दिया है. इसके साथ साथ आप डायरेक्शन भी लिखेंगे कि आपने इसे प्रिवेंट करना है फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट एंड कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन. सो ये डायरेक्शन आपने लिखनी है. मैग्नीफाई किस डेट को ये बना, एक्सपायरी डेट इसकी क्या है, किस कंपनी ने इसे प्रिपेयर किया, तो वो सब कुछ आप इसमें राइट डाउन करेंगे. यूजेस भी इसके लिखेंगे कि चूज टू माउंट द आइसोलेटेड टिश्यू ऑफ द फ्रॉग हार्ट. ठीक है, तो फ्रॉग हार्ट का कोई भी टिश्यू आप इसके अंदर सस्पेंड कर सकते हैं. रिजल्ट्स में आप लिखेंगे कि आपने 100 ml फ्रॉग रिंगर का सॉल्यूशन बनाया और उसको प्रिपेयर करके देखा. ठीक है,
सो अब हम लोग जी चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अच्छा बच्चों, आगे चीज़ आ जाती है इसके अपरेटस की, कि जब आप ये सॉल्यूशन बनाने लगेंगे तो आपको क्या क्या अपरेटस चाहिए होगा। लाइक आपको यू नीड द बीकर्स, यू नीड वेइंग बैलेंस, यू नीड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड द स्टिरर फॉर स्टीरिंग द सॉल्यूशन एज वेल। व्हाट आर द केमिकल्स यू नीड फॉर दैट पर्पस? यू नीड अ लॉट ऑफ केमिकल्स एंड दीज केमिकल आर जस्ट सिमिलर टू ऑल ऑफ द केमिकल्स विच आर यूज इन द टायरॉइड सॉल्यूशन। So you know what are the chemicals we have used the thyroid solution. So you know we have used the salty, gliders, can, manage, naughty, gliders. Very good. You know very well. So अब difference क्या है? What is the difference between both of them? What is the difference between the thyroid solution or this Schrödinger solution? बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सारी composition same है। जस्ट एक फर्क है कि इसके अंदर MgCl2 नहीं है, ठीक है, इसके अंदर MgCl2 नहीं है, जबकि टायरॉइड सॉल्यूशन के अंदर MgCl2 था, इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस आ जाता है। बाकी कंसंट्रेशन का तो डिफरेंस है ही है, कंसंट्रेशन तो तीनों सॉल्यूशंस की डिफरेंट है, बट अगर हम बात करें तो कौन सा साल्ट यूज़ हो रहा है, तो उसमें MgCl Schrödinger में नहीं यूज़ हो रहा है, टायरॉइड में हो रहा है। और टायरॉइड सॉल्यूशन और क्रैब-हैंस्टेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, वो वेरी सिंपल, उसके अंदर MgCl2 भी होता है। मैं बात अब कर रही हूँ किस सॉल्यूशन की, जो हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था, विच इज़ द क्रैब-हैंस्टेड सॉल्यूशन, वो भी बिल्कुल टायरॉइड सॉल्यूशन की तरह होता है और उसके अंदर तो MgCl2 भी होता है। जस्ट उसके अंदर डिफरेंस आता है इस वाले कंपाउंड में, यहाँ है ना NaH2PO4, वहाँ आता है KH2PO4, जस्ट इसका डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस है ना इन सॉल्यूशंस के अंदर, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। कोई भी आपसे वाइवा के अंदर जो है ये क्वेश्चन कर सकता है कि इन सॉल्यूशन के अंदर आखिर डिफरेंस क्या है और ये आखिर इतने सारे हमने बनाए क्यों हैं। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे हम लोग बात करते हैं जी इसके प्रोसीजर की, तो बिल्कुल सेम है। लाइक जो हमने पीछे दो सॉल्यूशंस के अंदर पढ़ते हैं, टायरॉइड सॉल्यूशन का जो प्रोसीजर था और जो क्रैब-हैंस्टेड का जो प्रोसीजर था, बिल्कुल सेम वही का वही प्रोसीजर इसका है कि आपने टेक लेना है, बीकर लेना है, उनको वॉश करना है, अच्छी तरह से ड्राई कर लें, बिल्कुल क्लीन हो, आपने जो वे करने हैं अपने सारे केमिकल्स उनको एक्यूरेटली वे करना है। उसके बाद आपने NaHCO3 और CaCl2 इन दो को छोड़ के बाकी सबको डिसॉल्व करना है, इन दो को सेपरेटली डिसॉल्व करना है और फिर दोनों को आपस में मिक्स करना है, लेकिन ग्रेजुअली ऐड करते जाना है और स्टिर करते रहना है, ग्रेजुअली ऐड करते जाओगे स्टिर करते जाओगे और फिर आपका ये जो क्लियर सॉल्यूशन है वो बन जाएगा। अब हमने NaHCO3 और CaCl2 को डायरेक्टली क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये टर्बिडिटी कॉज कर सकते थे, सो इसलिए हमने इसे डायरेक्टली नहीं डाला, ठीक है। सो ये प्रोसीजर की मैंने आपको बात समझा दी, बिल्कुल सेम वही है, प्रिकॉशंस भी वही की वही हैं और आगे की सारी चीज़ें वही हैं। जो मेन थिंग जो आपको याद रखने वाली है ना, वो इसकी ये कंसंट्रेशन है, ये एक लीटर के लिए कंसंट्रेशन है। लाइक अगर आप एक लीटर सॉल्यूशन बना रहे हो तो आपको इतने ग्राम ये सारे आयंस, ये सारे सॉल्ट्स चाहिए होंगे, लेकिन अगर आप 100 ml बना रहे हो तो आपको इतने ग्राम्स चाहिए होंगे। अब मैंने ना इनको याद रखने के लिए, सारी बात है कि आपको याद रखने पड़ेंगे, तो इनको याद रखने के लिए निमोनिक बनाया है और मैंने 100 ml के लिए निमोनिक बनाया है, ठीक है। सो वो यहाँ पर मैंने बनाया है इसके लिए और ये निमोनिक है, क्या है, नास्टो क्रिस्पी का साल्टी पूल एंड स्वीट। नास्टो क्या है यहाँ पर, NaCHO, ठीक है। नास्टो ये एक बहुत ही फेमस स्नैक है जो कि बहुत सारे कंट्रीज में लिया जाता है, ठीक है। नास्टो एक स्नैक है, आप कोई भी चीज़, कोई भी बिस्कुट इसे कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो बिस्कुट्स हैं ये आपको दिए गए हैं और 65 बिस्कुट्स आपके पास हैं इस वक्त, और ये बड़े क्रिस्पी हैं, लेकिन सारे क्रिस्पी नहीं हैं। इसमें से तकरीबन 14 ऐसे बिस्कुट हैं जो ज़रा क्रिस्पी क्रंची हैं, यानी जब हम उन्हें रखें ना मुँह के अंदर तो क्रंच क्रंच और बहुत ही मज़े के हैं। नास्टो क्रिस्पी का मीन फोर, का से 0.04 साल्टी, यानी अब ये जो नास्टो बिस्कुट्स हैं इनमें से कुछ ऐसे बिस्कुट्स हैं जो सिर्फ साल्टी हैं और कुछ स्वीट है, ठीक है। ये मैंने जस्ट निमोनिक जो है वो आपको याद रखने के लिए बनाया है। अब साल्टी से क्या आपने याद रखना है, NaHCO3 है इसके अंदर, और NaHCO3 कितना है, 0.21, ठीक है, 0.21।
और पूल से क्या याद रखना है, NaH2PO4। अब ये जो PO4 है ना, इसकी वजह से मैंने इसको पूल का नाम दिया। पूल किस चीज़ का है, नाचो बिस्किट्स का पूल आपको दिया हुआ है, और मतलब साल्टी बिस्किट्स इतने ज़्यादा हैं कि उनका एक पूल है, और कितने ज़्यादा हैं 0.0030 है और फिर 65 है, ठीक है। सो इतने बिस्किट्स में थे इसने का पूल है, और स्वीट बिस्किट कितने हैं 0.031 ग्राम्स, ठीक है। सो ये निमोनिक है इनके कंसंट्रेशन याद रखने का, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि कौन सा आइन है। सो नाचो क्या है, एक फेवरेट स्नैक है, मेरे साथ साथ पढ़िए, नाचो एक फेवरेट स्नैक है, बहुत सारे लोगों में खाया जाता है, एक बिस्किट है, और कितने हैं हमारे पास 65, यानी 0.65 ग्राम्स NaCl हमें चाहिए होगा। नाचो NaCl क्रिस्पी के से स्टार्ट हो रहा है, के से KCl बनता है, और KCl हमें कितना चाहिए 0.014 ग्राम। सो इसका मतलब जो नाचो बिस्कुट जो क्रिस्पी है वो कितने हैं 14, यानी 0.014 ग्राम्स जो है वो क्रिस्पी हैं। का से CaCl2 होता है, और CaCl2 के हमें कितने चाहिए 0.04 ग्राम्स, सो मैंने लिख दिए, ठीक है। साल्टी, अच्छा ये जो अब साल्टी है ना, वो NA ये भी है, NA ये भी है, अब मैंने इन दो को कम्बाइनली जो है वो लिखा है। NaHCO3 जो होगा ना साल्टी, वो कितने हैं 0.21, या आप याद रखें 0.2 से सिर्फ। सो दो जो बिस्किट्स हैं वो इसमें से साल्टी हैं, और पूल कितने का है 0.30 लगा के और 65 आपने लिख देना है, और स्वीट्स कितने हैं 0.031, यानी 65 में से 31 जो हैं वो स्वीट्स हैं। नमकीन बिस्कुट कितने हैं 0.2, और पूल कितना है इतने का, ये इतना ये इतना, ठीक है। सो ये निमोनिक था इनको याद रखने के लिए। अब जो हमने लैब में बनाया था सॉल्यूशन, लाइक ये जो मैंने पिक्चर जिसकी अटैच की गई है, ये ग्रीन कलर का नहीं होता, ये स्टिकी नोट की वजह से ना ग्रीन शेडो उसका आ रहा है, ये क्लियर वाइट कलर का जो है ना वो सॉल्यूशन होता है। तो हमने बनाया था 500 ml के लिए। सो अब आपको भी कोई भी कह सकता है कि 500 ml का बनाओ या 200 ml का बनाओ। सो अगर 500 का आपको कोई बनाने के लिए कहता है, तो उसकी कैलकुलेशंस आप कैसे करोगे, वेरी सिंपल। NaCl आपको कितना चाहिए था 500 ml। अब ये वाली जो कैलकुलेशंस मैंने लिखी थी ना, ये वाली यहाँ पर देखें, ये वाली सारी, ये है 100 ml के लिए। अब आपने कितना बनाना है 500 ml, कैसे बनाना है, बहुत ईजी है। जो 100 ml के लिए कंसंट्रेशन थी NaCl की, वो कितनी थी 0.65 ग्राम्स, यानी 65 नाचो बिस्कुट्स थे, और इसको डिवाइड कर देना 100 से, मल्टीप्लाई कर देना 500 से, ये आंसर आ गया, यानी 3.25 ग्राम NaCl डालोगे जब बनाओगे 500 ml का सॉल्यूशन। KCl कितना चाहिए था क्रिस्पी, KCl 0.014 ग्राम्स जो है वो चाहिए थे, इसको डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई करो 500 से। अब अगर आपको कहता है 200 ml का बनाओ, तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट 500 की जगह 200 लिख दो, इजी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 200 लिख दोगे, आंसर्स आ जाएंगे। इसी तरह KCl के लिए मैंने क्या किया, KCl का कितना था 0.04 ग्राम्स, डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई बाय 500। इसी तरह साल्टी से NaHCO3 बनता है, उसको उसकी वैल्यू की थी 0.2, दो बिस्कुट जो हैं वो साल्टी थे ना, तो उनको डिवाइड किया 100 से, मल्टीप्लाई बाय 500, आंसर्स आ गए। इसी तरह पूल से मैंने बताया था NaH2PO4 जो है वो बनता है, और उसके कितने ग्राम्स थे 0.00065 ग्राम्स जो थे, उसको डिवाइड किया 100 से, मल्टीप्लाई बाय 500, आंसर्स आ गए। स्वीट जो है वो ग्लूकोज था, और ग्लूकोज के लिए कितने थे ग्लूकोज यानी मीठे बिस्कुट कितने थे 31 थे, यानी 0.031 ग्राम्स थे, डिवाइड करो 100 मल्टीप्लाई बाय 500, तो आंसर आ जाएगा। यानी ये वाले जो सारे मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट करके लिखी हुई हैं, ये हैं फॉर द 500 ml सॉल्यूशन के लिए। सो नाउ वी हैव सीन दैट हाउ टू मेक अ 100 ml सॉल्यूशन, और हाउ टू मेक अ 500 ml सॉल्यूशन, and what are the concentration of it. So now we move on to the next page. So now as you know, we have discussed the procedure of it, and one more step in the procedure is that you have to sterilize the solution also in the incubator at the 121 temperature or pressure, 15 psi hai, aur 15 minutes ke liye aapne isko sterilize karna hai, taki
जो सोल्यूशन के अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं वो मर जाएँ। प्रिकॉशंस क्या है, अपरेटस आपका क्लीन होना चाहिए, वे जो आपने करना है सारे केमिकल्स को वो एक्यूरेटली वे करना है, कोई ख़राबी नहीं करनी उसमें। एडजस्ट द वॉल्यूम, वॉल्यूम जो आपने 100 ml तक पूरा करना है उसको भी एडजस्ट केयरफुली करना है टू अवॉइड द टर्बिडिटी। NaHCO3 और CaCl2 को आपने सेपरेटली प्रिपेयर करना है। ये तो सर जो थी वो तीनों ही सोल्यूशंस के अंदर फिक्स थी। यूजेज इसके क्या है, टू माउंट द आइसोलेटेड टिश्यू ऑफ अ फ्रॉग हार्ट, ये फ्रॉग हार्ट के टिश्यू को आइसोलेट करने के लिए यूज होता है। सो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड द 3 सोल्यूशंस विच आर गिवन इन आवर सिलेबस। आई होप डैट आई कुड मेक इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज 3 सोल्यूशन, थायराइड सोल्यूशन, क्रेबहेंसर सोल्यूशन एंड द थर्ड लास्ट विच इज द फ्रॉग रिंगर सोल्यूशन। So I hope that you understand that lecture. If you have still any confusions, then you definitely leave a comment for me. I will give answer to you. So take care of yourself. Meet you soon in the next lecture. And I also upload a video in which I will share the difference between 3 of these solutions. Like anyone can ask you what is the difference. You have to know that. So take care of yourself and also press the bell icon so that you can get the video on the difference of these 3 solutions. So take care, Allah Hafiz.